राखी सावंत बिग बॉस के घर में सबको एंटरटेन तो कर रही हैं, लेकिन उनके पति रितेश अब भी दुनिया के लिए रहस्य बने हुए हैं। राखी कहती हैं कि वह शादीशुदा हैं, उनकी रितेश से शादी हुई है, पर न तो उनके पास रितेश की कोई तस्वीर है और न ही उन्हें किसी ने देखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में राखी सावंत के भाई राकेश सावंत ने कहा, मैं एक बार और बस आखिरी बार आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेरी बहन राखी शादीशुदा है और मेरे जीजू राकेश कोई मनगढ़ंत किरदार नहीं है, वह असलियत में है और पोलैंड में रहते हैं। राकेश ने आगे कहा, जब शादी हुई थी तो दोनों तरफ के परिवार मौजूद थे, मेरे मामा जी और मामी जी भी शादी में गई थी। राखी को शादी को लेकर कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जब उन्होंने शादी नहीं की थी तो कभी शादीशुदा होने का नाटक नहीं किया, पर अब जब उनकी शादी हो चुकी है तो उन्होंने बस इस बारे में पूरी दुनिया को बता दिया है। यह पूछे जाने पर कि आखिर रितेश को क्या चीज सबके सामने आने से रोक रही है, जिस पर राकेश सावंत ने कहा, यह रितेश जीजू की पर्सनल च्वाइस है, इस पूरे वक्त वह यही चाहते थे कि उनकी पहचान रिवील न की जाए क्योंकि वह बहुत प्राइवेट पर्सन है। रितेश को बिग बॉस मेकर्स ने भी अप्रोच किया है और वह सच में इंडिया में आने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी माँ भी बीमार है और पोलैंड में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि रितेश जीजू बिग बॉस 14 में आ जाएं। बता दें कि बिग बॉस 14 के घर में जब मीडिया गई तो उसने भी राखी से उनके पति रितेश को लेकर सवाल किया। राखी ने तब कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हुई है, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, पहले वह मेरे सामने तो आ जाएं, तभी तो आप सबके सामने आएगा। मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण मुझे अर्जेंट शादी करनी पड़ी। लोग अर्जेंटली शॉपिंग करते हैं, अर्जेंटली ब्रेकअप करते हैं, पर मैं ऐसी स्थिति में थी कि मुझे अर्जेंटली शादी करनी पड़ी। इंडिया में एक बहुत ही ताकतवर और पावरफुल आदमी है जिसका मैं नाम नहीं ले सकती। अगर मैंने शादी नहीं की होती तो आदमी मुझे उठा कर ले जाता। उसने मुझे धमकी दी थी पर मैंने पुलिस में शिकायत नहीं दर्ज कराई थी। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।